मेरे प्यारे दोस्तों को हुमैरा का सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं भी कुछ ठीक ठाक। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मजे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बना रहे हैं पचमें दाल, और ये जो है ये ओरिजिनली जो है ये राजस्थान से बिलोंग करती है, लेकिन सबको बहुत पसंद होती है। तो ये जो है ये पांच दालों का मजमा है, इसमें हम पांच दालें मिला के पकाते हैं, और जिसमें चना है, माश है, अरहर है, मसूर है, मूंग है। तो चले फिर मैं आपको बताती हूँ, मैं सब अपने तरीके से बना रही हूँ, तो आप भी बनाइएगा, आप मुझे बताइएगा आप कैसी बनी। और बहुत सिंपल से रेसिपी झटपट बन जाती है, बहुत क्विक है। चले फिर इसको स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताऊंगी मैंने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं। चले फिर स्टार्ट करते हैं। मैं दाल में अपने इंग्रेडिएंट्स यूज कर रही हूँ, वो क्या है। तो मैंने इसमें पांच दालें जो हैं ये इसमें मूंग है, अरहर है, माश है, उड़द की दाल जिसे बोलते हैं, चना है और मसूर है। मैंने चारों पांचों दालों को जो है मैंने ये 2 घंटे के लिए इनको पानी में भिगो के रख दिया था। और इसके अंदर ये पांच दालें चाहेंगी, ये सब 1/3 कप हैं सारी दालें जो, तकरीबन हमारे पास 10 to 11 ounce जो है दाल है ऑल टुगेदर। ये मेरे पास जो है ये चॉप्ड अनियन है, ये इसमें मैं डालूंगी। ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर मैंने 1 teaspoon जो है ये मैंने पिसा हुआ जीरा लिया है, और ये मैंने 1/2 teaspoon जो लिए हल्दी पाउडर लिया है, 1 teaspoon मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 teaspoon मेरे पास सॉल्ट है, सॉल्ट आपके ऊपर है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और ये मैंने 1 teaspoon जो है ये पिसा हुआ मेरा घर का जो गर्म मसाला है, रेगुलर जो बेसिक गर्म मसाला है वो है। इसके अंदर मैं रेड चिली पाउडर डालूंगी, तो मैं इसमें होल पेपर डालूंगी, इसमें से मैं जो है 2-4 बचा लूँगी बघार के लिए, बाकी हम सब इसमें डाल देंगे। और ये मेरे पास लहसुन है, 1 teaspoon मेरे पास जो पिसा हुआ लहसुन है ये इसमें जाएगा, थोड़ी सी मैंने अदरक डाल दिया चॉप करके। और ये मेरे पास बघार के लिए जो है मिर्चें हैं, पुदीना चॉप करा हुआ है, जूलियन कट मेरे पास जिंजर है, जूलियन कट मेरे पास ग्रीन अनियन है, और ये मेरे पास प्याज है, और घी से हम इसे बघार करेंगे। चलें बहुत सिंपल से रेसिपी है, तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलें पैन जो हमारा गर्म हो गया है, तो मैं इसमें अब सारी दालें डाल रही हूँ, तो हम सारी दालें अपनी डाल देंगे। इन्हें हमें पहले बॉईल करना है, क्या आप देख रहे हैं सारी जो हैं माश चली गई। ये हमारी चना मैं इसमें थोड़ी सी मैं ज्यादा रखती हूँ बनिस्बत दूसरी दालों के। और ये हमारे पास चल मसूर है, ये चली गई। अब जो है हम इसमें सारे जो है अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, और अपनी चॉप अनियन, ये मैंने चॉप अनियन जो थी ये डाल दी, चॉप अनियन हमारी चली गई। ये हमारा गार्लिक का थोड़ा सा चॉप जिंजर है, ये चला गया। इसमें से मैं 6-7 जो है मैंने होल रेड पेपर डाल दिए, और जितने भी हमारे पास ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स है पाउडर जो थे सब डाल दिया मैंने, ये चला गया। अब जो है हम इसको पानी डाल के हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। पहले स्टोव में अपना इसकी हीट बढ़ा रही हूँ, तो हम इसमें मैंने इसमें बॉईल पानी यूज़ कर रही हूँ, गर्म कर ये है गर्म पानी है। चलें दाल से तकरीबन आधा जो है ये आधा उंगल जो पानी है ज़्यादा है गया है, जल्दी गल जाएंगी कि पिस। चलें मैं इसको इसका एक इसमें बॉईल आ जाए फिर मैं इसको कवर कर दूंगी, वरना फिर सारा चूल्हा जो थोड़ी सी और हो जाए फिर मैं इसको उसे कवर कर दूंगी। ये मीडियम से लो, थोड़ी बहुत लो नहीं। अब इसे कवर करके रख देते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक दाल गल जाए। चलिए दाल हमारी हो गई है, मैंने इसको बीटर से फेंट लिया था, अच्छी तरीके से बीट कर लिया। मैं इसमें करी थोड़ा देख रही हूँ कितनी मुझे इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। जैसे मैंने पूछा था फ़ौरन गल गई थी, बहुत भीगी हुई थी, तो मैं इसमें अब थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ उसको। हमारी दाल जो बिल्कुल परफेक्ट बन गई है।
तो अब जो है मैं इसमें अपनी हरी मिर्चें जो है दो काइंड की मेरे पास हरी मिर्चें हैं, एक है छोटी थी जो तेज़ वाली होती हैं और ये एक बड़ी हैं, ये भी मैं भी ये होती हैं कि इतनी तेज़ नहीं होती, तो मैं कोई डाल रही हूँ। और ये हमारा इसमें है पुदीना चला गया, थोड़ा पुदीना मैं डाल रही हूँ, थोड़ा मैं गार्निशिंग के लिए अपना रख रही हूँ। दाल तो हमारी किस कदर ज़बरदस्त देखें बनी है। चलें बघार मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो बघार जो है हम इसका घी से कर रहे हैं, थोड़ा सा घी हो जाए फिर हम इसमें अपनी प्याज वगैरह शामिल करेंगे। चलिए हम इसमें मैं अपनी ये जो मैंने बहुत ही बारीक प्याज काटी है इसको मैंने डाल दिया। इसका मैं प्याज से बघार करती हूँ, आप जैसा चाहें आप उसी से कर लीजिएगा। कुछ कुछ लोग लहसुन से करते हैं, कुछ लोग प्याज से करते हैं, तो मैं प्याज से इसका बघार कर रही हूँ। तो ये हमारी जब प्याज ब्राउन होने शुरू हो जाएगी, लाइट ब्राउन, तो हम इसमें दूसरी अपनी चीज़ें जो हम ऐड कर देंगे। प्याज हमारी अभी गोल्डन सी हो रही है, मैं इसमें अपनी जो होल रेड पेपर ही मैंने डाल, ये बात हम बाकी जो अपने इंग्रेडिएंट्स हैं बाद में डालेंगे। दाल देखें, दाल के अंदर सारे जो मैंने पुदीना और हरी मिर्च डाली हैं किस कदर ज़बरदस्त बनी है। मैंने बस हमारी ऑलमोस्ट होने वाली है, तो मैं इसमें अपनी जिंजर जो है मैंने जूलियन कट जो जिंजर डाली थी मैं ये इसमें शामिल कर दूंगी, और थोड़ी सी जो है मैं गार्निशिंग के लिए बचा लूंगी, जैसे मैंने अपना हरा धनिया बचाया है तो हम थोड़ी गार्निशिंग में डालेंगे। तो ये हमारी इसमें जिंजर भी चली गई, बहुत आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा इसका, मतलब बहुत ही डिफरेंस का टेस्ट आता है। मैं इसमें ग्रीन पेपर भी डाल रही हूँ, इनके मैंने बीज निकाल दिया, सिर्फ इनको मैंने उसमें काट लिया स्ट्रिप्स के अंदर, लॉन्ग स्ट्रिप्स में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब सिर्फ मुझे इसमें ज़ीरा डालना बाकी रह गया, वो मैं अभी थोड़े और ये पक जाएँ चीज़ें फिर मैं ज़ीरा डालूंगी। जब तक हमारा बघार जो है रेडी हो रहा है हम इसमें दाल अपनी पोर कर लेते हैं डिश के अंदर अपनी, फिर हम बघार जो है वो इसके ऊपर ही डालेंगे। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है मैं आपको क्या बताऊं। हमारी पूरी इसमें आ गई, अब बघार को मैं देख रही हूँ अपना, बघार ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया है। मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है बस एंड में इसके, अभी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बस ये होगा, फिर अपना दाल जो हमारी ऑलमोस्ट रेडी है हम दाल पे अपना बघार डाल देंगे। चलें ये हमारा जो बघार दाल बघार जो है ये देखें, घी का असली घी का बघार दाल के ऊपर, और मैं आपको बता नहीं सकती स्मेल कितने मज़े की आ रही है। ये हमारी जो ज़बरदस्त किस्म की जो दाल है पजमिन दाल ये तैयार है। अब थोड़ी सी मैं इस पर गार्निशिंग कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था मैं थोड़ा सा अपना पुदीना बचा के रखा हुआ है, तो हम इस पर थोड़ा सा पुदीना और अपनी जूलियन कट जो जिंजर है ये, और हमारा ज़बरदस्त जो है पचमिन दाल जो ये तैयार है। चलें आप पे मैं ट्राई करके बताती हूँ कैसी बनी है। कि मैंने अपनी पचमिन दाल जो है इसको मैंने डिश आउट कर लिया है और बहुत मज़े की बनी है, और मैं बता नहीं सकती कितनी मज़े की इसकी स्मेल ही बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आप शक्ल देखें कितनी प्यारी है। तो मैंने इसको जो गार्निशिंग की है इसकी मैंने पुदीने से जूलियन कट जिंजर से की है, और मैंने बघार में भी जूलियन कट जिंजर और साबुत मिर्चें प्याज जीरा और हरी मिर्ची यूज़ की हैं, और मैंने असली घी से इसका बघार दिया है। चलिए तो मैं इसको ट्राई करके बताती हूँ आपको। बहुत मज़े की है, इतने मज़े के मैं बता नहीं सकती, बिल्कुल लग रहा है मैं हलीम खा रही हूँ बगैर गोश्त का। ज़बरदस्त बनी है और सिंपल, सो सिंपल। आप बनाइएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के शेयर कीजिएगा, मुझे इसका फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा आपकी कैसी बनी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपका बहुत ही और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आऊँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना मत भूलिएगा, अपना अपनी दुआ में याद रखिएगा, बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना। नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।